नमस्कार दोस्तों, रविकांत टेक एडवाइस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं दोस्तों, अगर आप जियो रिटेलर हैं तो यहां पर किसी भी जियो का कस्टमर का रिचार्ज करते हैं तो वहां पर आपको समय बचने वाली है। अगर ये वीडियो आप देख लेते हैं तो यहाँ पर आप जब भी रिचार्ज करते हैं उसमें दोस्तों जो समय आपको लगता है तो यहाँ पर वो समय ऐसा लगेगा जो कि बहुत ही कम समय में किसी भी कस्टमर का आप रिचार्ज कर पाएंगे। तो उसके लिए दोस्तों वीडियो को ज़रूर देखें, शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों उसके लिए आपको, अगर आप जियो रिटेलर होंगे तो आपको पता ही होगा कि इसके लिए जियो पोस प्लस एप्लीकेशन पर जाना होगा। तो वहां पर आप क्लिक कर लेते हैं पोस प्लस एप्लीकेशन पर, और यहां पर दोस्तों अपना पासवर्ड देके आपको लॉगिन हो जाना है। तो चलिए हम अपना पासवर्ड दे देते हैं। पासवर्ड देने के बाद लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों हमने लॉगिन कर लिया है। और उसके बाद में जो आप रिचार्ज करते हैं, जो कि आपकी जो जिस तरह से आप कस्टमर का रिचार्ज करते हैं उसको दिखा देते हैं। यहाँ थ्री लाइन पर आप पहले क्लिक करते हैं, उसके बाद रिचार्ज ऑप्शन पर सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर जो रिचार्ज करते हैं वो जगह का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं दो बॉक्स दिखाई दे रही होगी, पहला और ये दूसरा। यहाँ पर आप टाइप करते हैं किसी भी कस्टमर का, उसके बाद में आप अपना टॉप अप या रिचार्ज वाला प्लान सेलेक्ट करते हैं कस्टमर के अनुसार, और उसके बाद में ब्राउज़र प्लान पर क्लिक करेंगे तो फिर वो प्लान खुल के सामने आती है। और यहाँ पर एक चीज़ और नहीं होती है दोस्तों, यहाँ पर कॉपी पेस्ट नहीं होती है। जैसे कि कोई आपके रिलेटिव या फ्रेंड्स आपको व्हाट्सअप पर या मैसेज कर देते हैं और उस नंबर को आपको रिचार्ज करने के लिए कहते हैं, तो ऐसे में दोस्तों उस नंबर को आप वहां से व्हाट्सएप या मैसेज बॉक्स से कॉपी करके यहां पर पेस्ट नहीं करते हैं, नहीं कर पाते हैं उसको, बल्कि आपको टाइप ही करना पड़ता है उस नंबर को, और टाइप करके ही इस उसको आपको रिचार्ज करना पड़ता है। तो ये तो दोस्तों आपकी पुराना जो सिस्टम है वो तरीका है वो है। अब दोस्तों आपको जो मैं शॉर्टकट ट्रिक बताने वाला हूँ उस तरीके को आपको बताता हूँ। तो इसके लिए आपको दोस्तों यहाँ पर से बैक चले जाना है। तो जैसे ही बैक जाएंगे तो इस तरह का ऑप्शन खुल के आएगा दोस्तों। अब ये ऑप्शन कैसे आया, तो इसके लिए दोस्तों आप जैसे ही लॉगिन करते हैं जियो पोस प्लस पर तो ये ऑप्शन आपका खुल के आ जाता है। तो यहीं पर आपको रहना है और दूसरे जगह में आपको जाना नहीं है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, इस जगह पर आपको सीधे ही अपने कस्टमर का नंबर एक बार यहाँ पर से डलवा देना है। तो जैसे यहाँ पर कोई भी कस्टमर आपका नंबर यहाँ पर डाल देता है, को टाइप करके भी डाल सकता है, या दोस्तों आप किसी भी व्हाट्सएप या मैसेज बॉक्स से किस आपका फ्रेंड या रिलेटिव का आप कॉपी करते हैं उसको यहाँ पर पेस्ट करना चाहेंगे उस नंबर को, तो सीधे पेस्ट कर भी सकते हैं। जैसे कि मैं उदाहरण तौर पर यहाँ पर थोड़ा देर क्लिक करके रखता हूँ तो ये देख सकते हैं पेस्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है। तो ये पेस्ट वाला ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पर वो नंबर फिल हो जाती है। तो इस तरह से या तो टाइप करके आप फिल कर सकते हैं या फिर उस तरह से पेस्ट करके भी फिल कर सकते हैं। अब दोस्तों ये प्रोसेस को आपको सही से देखना है तभी आप इसको अच्छे से कर पाएंगे और बहुत ही कम समय में इसको आप रिचार्ज कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको ओके बटन पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। आपका भी ओके बटन हो या डन का ऑप्शन हो आए तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये चार ऑप्शन आपके खुल के सामने आ जाते हैं। ये दोस्तों पहला जो है टॉप अप, जो कि आयुषी मिनट है, जो आपको पता ही होगा, उसको रिचार्ज करने के लिए भी यहाँ पर से आप शॉर्टकट ट्रिक जा सकते हैं। उसके बाद रिचार्ज के लिए है, बिल पेमेंट के लिए है, जो कि बिल पेमेंट पोस्टपेड के लिए यूज़ कर सकते हैं, और ऑर्डर स्टेटस। ऑर्डर स्टेटस ये है दोस्तों कि किसी भी सिम का जो ऑर्डर स्टेटस है उसको भी यहाँ पर शॉर्टकट तरीके से देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर हम रिचार्ज की बात कर लेते हैं। तो रिचार्ज के लिए दूसरा वाला जो ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप सीधे ब्राउज़र जो प्लान आपके रहते हैं कस्टमर को उसको ओपन हो जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सीधे प्लान पर आ गए हैं। अब यहाँ से जो भी कस्टमर का जो डिमांड्स है, जिसको भी वो रिचार्ज करना चाहते हैं उस प्लान को आप सेलेक्ट कर लें। मैं यहाँ पर रिचार्ज करूंगा नहीं, लेकिन उदाहरण के तौर पर एक प्लान सेलेक्ट करता हूं 199 का। ये दोस्तों यहां पर देख सकते हैं यहां दो बॉक्स है, उस पर आपको कहीं पर भी फिल करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि वो ऑटोमेटिकली यहां पर फिल हो जाती है। और इस तरीके से आप प्लान को करेंगे, फिर दोस्तों यहां पर प्रोसीड टू पे जो पुराना तरीका है वही सेम करेंगे तो उसके बाद में ये कस्टमर का रिचार्ज हो जाता है। तो देख सकते हैं दोस्तों बड़े आसान तरीके से आप इस तरीके से अपना जो भी रिचार्ज का जो ऑप्शन है उसको कर सकते हैं, और काफ़ी समय इससे बच जाता है दोस्तों, और आपके कस्टमर भी इससे जल्दी चले जाते हैं। अगर ज़्यादा भीड़ भाड़ है तो उस जगह पर जल्दी रिचार्ज हो जाता है। तो इसी तरह से आप रिचार्ज करेंगे दोस्तों तो आपका समय बचेगा। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचें, आप देखें सबसे पहले। तो धन्यवाद दोस्तों।